नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर YouTube में आज तक किसी ने बात नहीं करी है। हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम सिविल इंजीनियरिंग में साइट पर फीट और इंचेस का उपयोग करते हैं और हमें पढ़ाया मीटर्स और सेंटीमीटर्स में जाता है। तो दोस्तों, इस चीज को आज विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है जब अंग्रेज भारत आते हैं। तो दोस्तों, ये जो फीट, इंचेस और यार्ड्स का सिस्टम है, इसे हम FPS सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है, यह अंग्रेजों द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि दोस्तों वह जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि कोई पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्डाइज मापन सिस्टम नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी पर्टिकुलर यूनिट नहीं है जो पूरे इंडिया में नापने के लिए कॉमन हो, इसलिए उन्होंने अपना ब्रिटिश सिस्टम यह इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, मीटर और सेंटीमीटर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से पहले इंडिया में इंडियन वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट 1870 फॉलो किया जाता था, जो कि हमें ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम द्वारा 1870 में दिया गया था। तो दोस्तों, आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि उस टाइम इसका उपयोग बहुत अपर क्लास लोग, मतलब आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ऑफिसर्स वगैरह करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर कुछ काम करवाया और इस सिस्टम को हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया, तो हम उनके साथ साथ ही फीट और इंचेस में मापन करना सीखते गए। पर दोस्तों, एक इंडियन थे, उनका नाम था PN सेठ, जो कि फाउंडर और सेक्रेटरी थे इंडियन डेसिमल सोसाइटी के। इन्होंने पूरा जोर लगाया कि इस फीट और इंचेस के सिस्टम को हम मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें और इंडिया में मेट्रिकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाए। तो दोस्तों, इंडिया में मेट्रिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कवायद 1955 से शुरू हुई और अंततः 1962 तक मेट्रिकेशन सिस्टम को कंपलसरी कर दिया गया। इसके अंदर ना सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर की ऐसी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की गई, बल्कि डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि ऑफिशियली इंडिया में मेट्रिकेशन सिस्टम है, मतलब मीटर और सेंटीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आप जब भी यदि कभी इंटरनेशनली देखेंगे तो वहां मेट्रिकेशन सिस्टम चलता है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज ने मेट्रिकेशन सिस्टम को ही अपनी SI यूनिट बना रखा है। उसी प्रकार इंडिया ने भी मेट्रिकेशन सिस्टम को ही अपनी SI यूनिट बना रखा है। पर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर मोटा मोटा 200 साल हुकूमत की है और उसी का नतीजा यह है कि आज भी जब हम साइट पर काम करवाने जाते हैं तो वहां पर फीट, इंचेस या फिर यार्ड्स का सिस्टम ज्यादा काम में लिया जाता है। आज भी जैसे नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर क्या होता है कि जो जमीन का मापन है वह यार्ड्स में किया जाता है। यार्ड्स को यदि मैं हिंदी में बोलूं तो गज होता है। वैसे तो दोस्तों दोनों बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि एक गज में 0.99 यार्ड्स होते हैं। हालांकि ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम एक प्रकार से इसको एक ही मानने लग गए हैं। पर दोस्तों, हम इंडियंस को ब्रिटिश सिस्टम की इतनी आदत लग चुकी है कि आप यदि कपड़े सिलवाने भी जाएंगे तो आपका नाप इंचेस में लिया जाएगा, ना कि मीटर और सेंटीमीटर में। वैसे ही आप यदि पत्थर खरीदने जाएंगे तो वहां भी जनरली पत्थर को फीट और इंचेस में नापा जाता है। ऐसे ही यदि आप कारीगर और लेबर को यदि कोई चीज समझाना चाहते हैं तो वहां आपको मोस्ट प्रोबेबली डायमेंशंस फीट और इंचेस में बतानी होगी, क्योंकि दोस्तों उनको ज्यादातर अब फीट और इंचेस ही समझ में आता है। आप मतलब इस बात से पता लगा सकते हैं कि ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम आज भी मेट्रिकेशन सिस्टम पर हैवी है। इसलिए दोस्तों, आपको सिविल इंजीनियरिंग में मीटर और सेंटीमीटर तो पढ़ना ही है, पर साथ में फीट और इंचेस में ज्यादातर ध्यान रखना है। आप यदि जल्दी ही मीटर और सेंटीमीटर को फीट और इंचेस में कन्वर्ट करने की आदत डाल लेंगे तो आपके लिए इंडिया में काम करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो हमारे ऑटोकैड के जो मैप्स होते हैं वह भी फीट और इंचेस में बनाए जाते हैं। पर दोस्तों, मेट्रिकेशन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंडर पूरे इंटरनेशनली मान्य है, इसलिए आपको साथ में मीटर और सेंटीमीटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। उसके अलावा यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी UPI ID आपको अपनी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।